أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن حتى लाद कुमत्तना من والده وولده والناس अजमाइन मतफ़न عليه محترم مشاركين ومشاركات حاضرين وحاضرات आज के इस हफ्तावारी दरूस में मरकज़ ख़ैर और बंगलो दुरूस की तरफ से ये प्रोग्राम तय पाया है अल्लाह के फद्रम से आ, तो आज का जो हमारा मौजू है हालात के हिसाब से माह रब्ल की मुनासबत से जिस अदीम मौजू को बारह हम सुनते हैं और सुनना भी चाहिए ये अल्लाह से मोहब्बत प्यारे नबी वसलम से मोहब्बत का तखादा है तो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु सल्लाम के अमली तफादे इस मौ पर चंद अहम बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा दुआ करें अल्लाह ताला जो भी बातें हम सुने अल्लाह समझने की अता फरमाएँ और अमल करने की सदादत अल्लाह नसीब से फरमाएँ आमीन या रब्लम माह रबा इस्लाम का जो है इस्लामी साल का तीसरा महीना है ये वो महीना है जिसमें रसुलकरम सल्ला वसम की विलादत हुई इस महीने में बाज़ नादान मुसलमान जो दीन से बहुत दूर हैं जहानत की बिना पर या इतात व फर्माबर्दारी का गलत तरीक़ा उन्होंने जो अपनाया है मोहब्बत के नाम पर तो उनकी नादानी की वजह से कुछ ऐसे तरीक़े कुछ जलसे जुलूस और कुछ जशन वो लोग ऐसे मनाते हैं और समझते ये हैं कि इससे गोया वो प्यारे नबी सलीसम की महब्बत आपकी इतात का हक़ हाँ जो है अदा कर देंगे यकीन देखिए हकीकत में ये बात ऐसी है कि ये इधार मोहब्बत का गलत तरीक़ा है मोहब्बत का इधार करने का गलत तरीक़ा है मोहब्बत करने का तरीक़ा भी इस्लाम ने बताया है खुशी मनाने का तरीक़ा भी इस्लाम ने हमें बताया है गम मनाने का तरीक़ा भी इस्लाम ने हमें बता दिया है खोल खोल कर वाज तालीमत हैं आपलम से मोहब्बत भी जो है आप से आसम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक होनी चाहिए तभी वो मोहब्बत मोहब्बत होगी काबिल कबूल होगी उसके तकादे मोहब्बत के ताजे उसी वक्त अदा होंगे कि तरीक़ा भी हमारा सही होना चाहिए इसीलिए देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्त मौक़ों पर मुनासबात पर मोहब्बत में गलू करने से मना किया सही बुखारी की रिवायत, किताब लम्बिया में इमाम बुखारी रमोत लाही ने इस रवायत को नक़ल किया लात तरूनी कम आतरत नसौरा ये सब नमरीम फ़ैन नमाना अब्दू फ़कुल अब्दुल्ल रसूल आपने फ़रमाया कि मेरे मामले में उस तरह गुलू ना करो जिस तरह ईसाइयों इस ने नसारा ने ईसा सलाम के बारे में गलू किया मैं अल्लाह का बंदा हूँ इसलिए कहाँ मुझे बस अल्लाह का बंदा उसका रसूल कहूँ देखिए साहबा कराम से बढ़ कर कौन है बताइए साहबा कराम से बढ़ कर अल्लाह के नबी सा कीहबत का जिनको मौका मिला दुनिया में अल्ला ने नबी की सहबत के लिए जिनका इंतखा फ़रमाया उनसे बढ़ कर कौन आज मोहब्बत का दावा कर सकता है कोई नहीं कर सकता दावा करना भी ग़लत है बल्कि साहबा ने सिर्फ दावा भी नहीं किया बल्कि अमली तखादे को पूरा किया तखादों को पूरा किया अपनी जान और माल प्यारे नबी सा के लिए कुर्बान किया दीन के लिए कुर्बान की ईमानी जो तखादा है अल्लाह के नबी पर ईमान लाने आपके को कबूल करने आपसे मोहब्बत का बुनियादी तखादा उन्होंने कबूल किया और उस पर अमल किया तो सहाबा जो आपके एक इशारे पर जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की और हमेशा तैयार रहते थे बहुत सारे वाक़ हैं जंग वहद में भी एक संगीन वक्त ऐसा आया कि दुश्मनों ने अल्लाह के नबी सा को घेर लिया आपके चेहरे को ज़ख्मी किया अल्लाह के नबी सासम के धंदा ने मुबारक शहीद कर दिए गए तो उस मौके पर अल्लाह के नबी सासम ने कहा था जो आज दुश्मनों से हम दुश्मनों के मुकाबले में हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा हमारा दिफा करेगा दूर करेगा उसके लिए जन्नत की बशारत है वो जन्नत में मेरा रफ़ीक होगा तो कई अंसारी साहबा कराम महाज्रन भी शरीक रहे अंसारी साहबा ने भी अपनी जान क़ुरबान की और इसी तरह देखिए, इन ने रसूल ने सहबा कराम ने मोहब्बत रसूल के जो बुनियादी अमली तकादे थे उस पर भरपूर उतरें अमल किया और उस पर जो है चलते रहें तो आइए इस मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने मोहब्बत रसूल सा के जो बुनियादी तखादे हैं चंद अहम बातें बताकर अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ तो मोहब्बत रसूल के देखिए तखादे दावा तो हर कोई करता है जिसे मैंने कहा दावा करता है मगर हकीकी मोहब्बत को जांचने का मैार क्या है क्या कसौटी है तो कसौटी जो अल्लाह तई है मैार जो अल्लाह ने बताया है कि मोहब्बत रसूल सल्लासम के तखादों को पूरा किया जाए सबसे पहला बुनियादी तखादा ये हैं दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत की जाए मोहब्बत देखिए इन फितरी तौर से इन इंसान को मोहब्बत कई लोगों से होती है वालदी से होती है अपनी औलाद से होती है भाई बहनों रिश्तेदारों से होती है बीवी बच्चों से होती है माल दौलत से घर बार तिजारत कारोबार दुनिया के बहुत सारे अस्बा वसाइल अल्लाह ने बनाए हैं मोहब्बत हर एक से होती है फितरी तखादा हैं लेकिन हकीकी मोमिन सच्चा अल्लाह के नबी स आसम का शहदाई सच्चा अल्लाह के नबी स आसम से मोहब्बत करने वाला कौन है जिसके दिल में अल्लाह के नबी स आसम की मोहब्बत दुनिया की तमाम दुनिया की जो है तमाम मोहब्बतों से ज़्यादा होना चाहिए गालिब होना चाहिए अनस अल्लाह अनसरदल्ला की रिवायत जो शुरू मैंने पढ़ी सही बुखारी की प्यारे नबी स आसम ने कहा उस की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है तुम में से कोई शक उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालदेन उसकी औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना बन जाऊँ एक और रिवायत में अल्लाह के नबी सा ने फरमाया सही बुखारी ही की रिवायत है कि ईमान की हलावत ईमान की चाशनी वो पा सकता है जो अल्लाह के नबी साहब तीन बातों का जिक्र किया उसमें जो अहम बात है जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये हैं यकून अल्लासूल हूँ अहब्बिल कि दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर जो शख्स अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें वही शख्स हकीकत में ईमान की लज्जत को पा सकता है हकीकी मोमिन वही हो सकता है तो ईमान का बुनियादी यादा है और इसी तरह सूरह तौबा की आयत की तरफ मैं इशारा करूँ आयत नंबर चौबीस में दुनिया और उसके बहुत सारे रिश्तेदारियाँ और अल्लाह ताला ने जो है दुनिया के माल और दौलत तिजारत घर कारोबार का जिक्र करके अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ उभारा है कि देखो इन तमाम से बढ़कर तुम्हें अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए वरना अल्लाह ताला ने सख्त वईज़ सुनाई सख्त वईज़ अल्लाह ताला ने सुनाई आखिर में अल्लाह ने उसायद में कहा तुम अल्लाह के आज़ाब अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करो अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत ना करें उसके दीन से मोहब्बत ना हो उसके नबी महम्मद रसोल्ला सल्ला वसलम जिन्होंने हमारी हदायत की खातिर उम्मत की फ़िक्र में सब कुछ कुरबान किया अगर आपसे सच्ची मुहबत ना हो तो ये दुनिया बेकार है जीना दुनिया में रहना बेकार है और इसके अलावा देखिए बहुत सारी बातें यहाँ हम कह सकते हैं बहुत सारी मिसालें हैं सहाबा की उमर रजी अल्लाह तु तो के वाक़ तर इशारा करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ उमर रजी अल्लाह तह तो ने जब ये बात कही थी अल्लाह के नबी सा आसम आप गवाह रहना कि मेरी जान के अलावा मेरे नफ्स के अलावा आप सबसे ज़्यादा महबूब हैं अल्लाह के नबी सा ने कहा कि उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ तो तकमील ईमान तकमील ईमान का अहम जरिया कि दुनिया की तमाम चीज़ों से बढ़कर हमें अल्लाह के नबी सा आसम सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए तो उमर और अल्लाह तैन ने जब सुना तो कहा अल्लाह के नबी गवा रहना अब मेरी जान से भी ज़्यादा आप मेरे नज़दीक महबूब हैं तो आप सा आसम ने कहा अलान या उमर कहाँ आप तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ तो अगर हम अल्लाह के नबी स की मोहब्बत पर दुनिया को तरजीह दें रिश्तेदारों को तरजीह दें दुनिया के अमल इसबाब को तरजीह दें तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता हरगज़ हम कामिल ममिन नहीं हो सकते देखिए मोहब्बत रसूल ससम का दूसरा अहम तफादा ये है आप सल्हुस को जो शरीयत जो दीन देकर जो तलीमत देकर अल्लाह ताली ने भेजा है उन तलीमत उनके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अंजाम दें वमाल तमाम इबादतें तमाम रियादतें जो भी करना है आमाल हम अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अंजाम दें और अल्लाह के नबी वसल्लम को हर मामले में फैसल कररार दें अल्लाह के नबी का जब हुक्म आ जाए उसको तस्लीम करना चाहिए आपकी मुकम्मल इतात हो वहाँ फर्माबरदारी हो उसके अलावा हम मोमिन नहीं हो सकते अल्लाह ताली ने सुर नसा में कसम खा कहा फ़ला और मिनुन हूँ मुँह का फ़ीमा शदर अब जदूफ़ी अनफोसम कदयसलम तस्लीमा तुम्हारे रब की कसम अल्लाह ने अपनी ज़ात की कसम खाकर अपनी रुबूबियत की कसम खाकर अल्लाह ने कहा तुम्हारे रब की कसम ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते यहाँ तक कि अपने इख्तलाफा में अपने झगड़ों में आपको फैसल ना करार दें फिर आप जो फ़ैसला करें दिल में कोई तंगी महसूस न करें उसल के साथ उसको तस्लीम करें तब तक वह लोग मुसलमान नहीं हो सकते मोमिन नहीं हो सकते अल्लाह अखबार इसी तरह बेशुमार वाकयात हैं सहाबा की ज़िंदगी हमें मिलते हैं जिन्होंने जो है इतात व फरमा बरदारी की अल्लाह के नबी सा सच्ची मोहब्बत की आपकी आप लाही हुई शरीयत पर आप अमल किया तो कैसे किया अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक हर फैसले में झगड़े में उन्होंने अल्लाह के नबी हुक्म को फैसल करार दिया उसको कबूल किया आज भी ज़रूरत इस बात की ईमान का तखादा है अल्लाह के नबीम सच्ची मोहब्बत का तखादा है कि हम लोग अल्लाह के नबी वसल्लम के हर फ़ैसले को माने अपनी ज़िंदगी में उसको नाफिस करें आपकी मुकम्मल इतात और फरमाबरदारी करें इसी तरह एक अहम तखादा मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपकी लाई हुई दीन की नुसरत मदद तइद और उसकी तबलीग वशात के सिलसिले में हम पूरी कोशिश करें हसब इस्तात पूरी कोशिश करें अल्लाह के नबी सा का दिफा करें अल्लाह के नबी सा आसम की ज़ात पर जो भी हमले होते हैं आपके लाई शरीत पर हमले हों आपकी सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाए आपकी सुन्नतों की हिफाजत करना भी हर मुसलमान का दीनी फरीदा है अखलाकी फरीजे से बढ़ कर दीनी फरीदा हैं कि हम अल्लाह के नबी सा के लिए खड़े हों जब भी जिस दौर में तारीख़ शाहिद हैं अल्लाह के खुद अल्लाह के नबी से की ज़िंदगी में बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम के दुश्मन अल्लाह के नबी सा के दुश्मन दीन के दुश्मन सहाबा के दुश्मन पैदा हुए और अल्लाह का जो है अल्लाह की सुन्नत रही है खुद अल्लाह की सुन्नत कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसकी तरफ़ इशारा किया है कि अल्लाह ताला, ताला ने हर नबी के पीछे कुछ दुश्मन अल्लाह ने लगा दी आजमाइश के लिए वहाँ बहुत सारी हमतें थीं जिसमें एक अदीम हकमत ये है इस नबी के अख्लाक हमारे सामने आए नबी का अफूद दरगुजर सामने आए नबी का इंसाफ़ सामने आए नबी नबी हैं उनकी रसालत और हकीकत और उनकी सच्चाई सामने लोगों के सामने आए बहुत सारी हिमतें इसमें थीं अल्लाह ताला ने हर दौर में हर ज़माने में जो है दुश्मनों को अल्लाह ने रखा और अम्बिया के राम ने उसका जो है मुकाबला किया हर चैलेंज का मुकाबला किया और जहाँ बदाखलाक़ी का मुदाहरा किया गया अखलाक़ से पेश आए वो वरगुजर दर्ग का मामला अल्लाह के नबी की ज़िंदगी बेशुमार मिसाल है अबू जहल ने क्या किया अबू ला आपका चाचा होकर आपसे दुश्मनी की अल्लाह के नबी ने क्या मामला किया तयफ़ आलों ने सबसे ज़्यादा सख्त हालात अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में आए ताइफ आलों ने आपको पत्थर से मार मार कर लौलहान कर दिया वहद के मौके पर अभी मैंने इशारा किया वहद के मौके पर आपके दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए आपके चेहरे को ज़ख्मी किया गया आपको कत्ल करने की पूरी साजिश की मक्के वालों ने आपको मक्के में हर तरीके से चैलेंज किया आखिर में आप बाज़ नहीं अपने काम में डटे रहे अपने मिशन को आगे बढ़ाया तो आपको कत्ल करने की प्लानिंग की बहुत सारे मदीना आने के बाद भी अल्लाह के नबी सा को ऐसे ही नहीं छोड़ा सुकून की ज़िंदगी चैन सुकून से सांस लेने नहीं दिया हर साल जंगें हुई आप जानते हैं हर साल जंग करना पड़ा और जंग करने वाले कोई अरे गैरे नहीं थे रिश्तेदार थे रिश्तेदार थे खूनी रिश्ता था उनसे इंसानी रिश्ते से पहले खून रिश्ता उसके बाद भी देखें अल्लाह के नबी नबीसम के इंतकाल के बाद हर दौर में सहाबा के दौर में ताबैन के दौर में तब ताबी हर दौर में ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने अल्लाह के नबीम ही नहीं बल्कि आदम सलाम से लेकर सलाम तक भी अम्बिया पर हमले आज भी हो रहे हैं आज भी हमले होते हैं तो हमारा और आपका अखलाकी से अखलाकी फरीजे से बढ़कर कर दीनी फरीज़ आएँ हर एक अल्लाह के नबी सा की, की तइद करें आपकी नुसरत के लिए उठें आपका दिफा करें आपकी सुन्नतों की हफाजत करें प्यारे नबी सा के लिए खड़े हों जो भी मुमकिन ताकत अल्लाह ने इसबाब दिए वसाइल दिए उसका इस्तेमाल करें डिफ़ेंस करें अल्लाह के नबी की सच्ची सीरत आपके अखलाक़ आपका किरदार इबादतें आपके तौर तरीक़े मुकम्मल आपकी ज़िंदगी इस दवाज ज़िंदगी हो इनफरादी इज्तमाही ज़िंदगी हो हर तरीक़े से अल्लाह के नबी की जो हैं आपकी सीरत को आम करें अमली ज़िंदगी में उसको नाफिस करें ये सबसे बड़ा तखादा है अल्लाह ताला ने सुर फ़तः आयत नंबर आठ और नौ में कहा इन् सल्ला का शहीद व शरों व नदीराली तो ममिन और रसूल ही वो अजरू व तो अक़रु हूँ व तो सब बेखो हूँ बखरतों यकीन हमने आप गवाही देने वाला खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा ताकि तुम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आओ उसकी मदद करो और उनका अदब एहतराम करो और सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करो इस तरह की जो है बहुत सारी मिसालें हैं अस में सीरत में मिलते हैं तो आज भी देखिए फ्रांस फ्रांस ने जो कुछ किया ये चल रहा है इससे पहले भी जो है बहुत सारे लोगों ने किया बहुत सा हर दौर में जैसे मैंने इशारा किया हर दौर में नबी से दुश्मनी करने वाले लोग पैदा हुए और क़ियामत तक पैदा होते रहें ये अल्लाह का अल्लाह की सुन्नत है ये चलता रहेगा सिस्टम अल्लाह ने जो है आजमाइश के लिए रखा है उठेंगे लोग मुखालफत करेंगे लेकिन दुश्मन को भी मालूम है दुश्मन को भी मालूम है कि अल्लाह के नबी सा के सीरत दागदार है वो सिर्फ हमें भड़काने की कोशिश करते हैं हमसे ज़्यादा बल्कि आज के नादानी मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं अपना मुहासभा करें कि हम उन पर कमेंट कर रहे हैं हम उनके खिलाफ जो भी कर रहे हैं आज कार्रवाई कहाँ तक वो सही है कहाँ तक गलत मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ लेकिन हम अपनी जिंदगी में गौर करें उनसे पहले हम गौर करें कि हम कितनी अल्लाह के नबी की सुन्नतों को पामाल करते हैं हजारों सुन्नतें लोगों ने किताब लिखी दिन रोजाना हजार सुन्नतें हैं जो हमें अमल करके बताना है प्रैक्टिकल हम सुन्नतों का मजाक हम उड़ाते हैं अमली किरदार सुस्ती काहली हमारी ऐसी सुन्नतों की मुखालफत हम कर रहे हैं उनसे पहले अपने आप का मुहासभा करें कि हम कहीं तो हम खुद गद्दार नहीं हैं हम खुद अल्लाह के नबी ससम से वफादारी का ये दावा करने वाले कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने खुद अल्लाह के नबी नबीसम के सिलसिले में कहने की जरूरत दुश्मनों में क्यों आई हमने खुद दिया मौका हमने दिया है और अगर वो कोई कहता है कुछ करता भी है तो हम सही कदम भी नहीं उठाते इस्लाम को और बदनाम होना पड़ता है इस्लाम तो बदनाम नहीं हो गए अल्लाह का दीन है रसोल्ला सासम को बदनाम करने की कोशिश करें अल्लाह ने आपको मकाम दे दिया और रफाना अल्ला का जिक्र कियामत तक के लिए अल्लाह ताला ने आपके लिए बशारत सुना दी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है अल्लाह अकबर पूरे आलम में आपसे पहले जो अम्बिया आए जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई उनकी उनका जिक्र भी शायद उतना नहीं होता जितना प्यारे नबी का की शान को आपकी आ, आपकी आ, शान को आपकी सीरत को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में आम कर दिया है यही प्रोपगेंडे ऐसे भी हैं अल्लाह अकबर इस्लाम जहां दावत तबलीग से और किरदार से फैलता है दुश्मनों के पुरोपगंडे से भी इस्लाम फैल रहा है ये तारीख शाहिद है आज भी हो रहा है हो सकता है फ्रांस का ये वाक़ा जो अभी पेश आया चंद दिनों पहले इसमें भी अल्लाह की हिमत है लेकिन हम हमारा फरीज़ा क्या है हम गौर करें अमली ज़िंदगी में गौर करें ख़ास तौर से और जो भी हम कर सकते तहरीरन खिताबता तकरीरन जो भी अल्लाह ने ताक़त दी इसबाब को अपनाएं और हुकूमतों का भी फरीदा हैं हुक्मरानों का फरीदा हैं हर एक का इजमाहीफरादी जिम्मेदारी बनती हैं, हर एक अपनी ज़िंदगी में गौर करें हम क्या कर सकते हैं अपने नबी के लिए अपने दीन के नुसरत के लिए तायद के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं साहबा ने कैसे कुरबानियाँ दी आज भी ज़रूरत इस बात की एक कहते हैं इसके अलावा वक्त मेरा काफ़ी कम बचा है तो मैं इस इशारा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँ बहुत सारे तकाजे हैंमली एक अहम तफ़ादा ये है कि अल्लाह के नबी से अकीदत हमारी सच्ची अकीदत हो आपका एहतराम हो आपकी मोहब्बत का ये अहम तफादा है शुरु हजरात में अल्लाह ताला ने कहा तह यहन आमन तरफ़ोतिन नबी अय लोगों मुसलमानों अपनी आवाज़ पर नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो अल्लाह अकबर आगे क्या कहा वला तज हर वह बिल्कुल तुम ला तशरून जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से करते हो बातचीत ऐसा ना करो हो सकता है कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए और तुम्हें पता भी ना चले साहबा ने किस तरह अमल किया साबित बिन खैस का वाक़ा से इशारा करते हो अपनी बात को ख़त्म करूँ जब आयत नाजिल हुई फितरी तौर से उनकी आवाज़ बुलंद थी रोते हुए घर में बैठ गए कहाँ मैं जहन्नमी हो गया मेरे अमाल बर्बाद हो गए अल्लाह के नबी नबीसम ने खबरगिरी उनकी की क्या मामला है कि साबित हमारी मजलिसों में शरीक नहीं हो रहे तब पता चला कि उन्होंने ऐसा कहा है तो अल्लाह के नबी सासम ने कहा यह तो तुम्हारी फितरी आवाज़ इसमें कोई हरज की बात नहीं लेकिन मुखालफत करें अल्लाह के नबी के बाद में बात आगे बढ़ाएं उसी करें उनका यह बुरा अंजाम अल्लाह ने सुनाया है तो ये फ़ितरी मामला था उनका लेकिन आज अल्लाह के नबी सा तो जिंदा नहीं आपकी सुनतें ज़िंदा हैं आपकी अहादी ज़िंदा आपकी सीरत ज़िंदा है आपके फ़ैसले हमारे सामने हैं जब अल्लाह के नबी का फ़ैसला जाए कोई अपनी आवाज़ को बुलंद ना करें अल्लाह के नबी सासम गोया ऐसे अहतराम आपका करें कि गोया आप ज़िंदा हैं आपकी तालीमां ज़िंदा हैं इस तरह जो है हमें मामला करना है हमें ज़िंदगी गुजारना है आपकी सुन्नतों से मोहब्बत हो आपका अदब एहतराम आज भी बाकी है जब भी आपका ज़िक्र हो आगे कुछ और तदवदे में उसमें जिक्र करूँगा सहाबा की बेहतरीन मिसालें हैं अबू ऐबानंसारी की आ, उस वाक़े उस वाक़े उस कि तरह में इशारा करूँगा कि जब अल्लाह के नबी से आसम की मेज़बानी का शर्फ़ उन्हें हासिल हुआ किस तरह उन्होंने घर का मामला किया खुद जो हैं घर की सहूलत थी जहाँ आप रहना चाहें उनका घर था जहाँ अल्लाह के नबी को ठहराना चाहें ठहरा सकते थे लेकिन क्या किया आपने दो मंजिला घर था सहूलत अल्लाह के नबी से आसम की सहूलत के खातिर नीचे की मंजिल में आपको ठहराया और आप ख़ुद जो है अपने ऊपर वाले मंजिल पर आप रहने लगे कुछ ही दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह के नबी सा की बेअदबी हो रही आपको नीचे रख कर मैं ऊपर हूँ तो आपने जो है मंजिल बदल दी और इस तरह खाने पीने में भी जो है कुछ मिसालें आपकी अदीस में जो है रिवायत मिलती हैं बहुत सारे सहाबा हैं बहुत सारे सहाबा उ के मौके का वो वाक़ याद रखे अल्लाह अकबर उर्वा बिन मसूद सखफ़ी को एक गवाही देना पड़ा मक्के वालों के सामने जाकर क्या कहा उसने कि मैं अभी जाकर आया हूँ मोहम्मद के पास जाकर आया हूँ वसल्लम वहाँ आपके असहाब जितनी आपकी इज्जत करते हैं अहतराम करते हैं मैंने कहा दुनिया के बड़े 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 हुक्मरानों को बड़े बड़े जो हैं बादशाहों को मैंने देखा कि किसी की शायद ताज़ी उतनी होती है जितना असहाब मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदीम करते हैं तौकीर करते हैं उसने मिसाल भी दी मिसाल भी उसने दी कि अल्लाह के नबी सासम कहीं थूकते भी हैं तो अपने हाथ पर लेके कर उस चेहरे पे मर लेते हैं बरकत के लिए और इसी तरह वज़ू का पानी नीचे गिरने नहीं देते उसको हासिल करने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं अल्लाह अकबर इतनी मोहब्बत शायद दुनिया में कोई किसी से नहीं करता और जब अल्लाह के नबी सा बात करते हैं तो क्या कहा जब गुफ्तू करते हैं उनके सामने अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं अल्लाह अकबर कहा दुनिया में ऐसा मंजर मैंने नहीं देखा बल्कि दुनिया क़ियामत तक नहीं देखी ऐसा मंर अल्लाह के नबी के सहाबा ने कैसी तादीम की तो़ीर के अहतराम किया हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इसका पूरा पास विह रखें अल्लाह हमें तोफ़ी दें इसी तरह देखें एक अहम तख़ादा मोहब्बत का ये है जब भी प्यारे नबी सा का नाम आए आप पर दरुदसम पढ़ना चाहे खुद अल्लाह ताली इनकत सलूनबी यादी आमन स तस्लीमह ख़ुद अल्लाह ने कहा अल्लाह फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं अल्लाह रहमत नाजिल करता है फ़रिश्ते दुआ करते हैं रहमत के नज़ूल की हमें भी दुआ का हुक्म दिया गया दरुद तो सलाम पढ़ के अल्लाह के नबी स मक़ाम को बुलंद अल्लाह फरमाता है और दरूद की काफ़ी फजीलत आई है तो एक मरतबा दरूद भेजें दस मरतबा रहमतें नाजिल होती हैं दस गुना माफ़ होते हैं दस दर्ज़े बुलंद होते हैं अल्लाह अखबर और ये ऐसा फजीलत वाला अमल है कि हमारे दोनों फरिश्ते एक वक्त ब एक वक्त काम करना शुरू कर देते हैं दहने जानब का फरिश्ता नेकी लिखना दर्जात और सवाब लिखता है और ये फरिश्ता गुनाह मिटाता है दोनों फरिश्ते एक साथ काम करते हैं ये दरूद और कुछ अमाल ऐसे हैं जिस पर दोनों फरिश्ते ब एक वक्त काम करते हैं दरुद सलाम है अल्लाह के नबी का जहाँ मकाम बुलंद होता है वहीं दरूद पढ़ने वाले का मक़ाम अल्लाह बुलंद करते हैं रहमतें नाजिल करते हैं उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं और सबसे बड़ा बदनसीब दुनिया का सबसे बड़ा बकील हुआ इंसान है प्यारे नबी सा का जिक्र आए और अल्लाह के नबी सा पर दरूद ना पड़े दुनिया का ये सबसे बड़ा बकील इंसान अल्लाह हमें इसे बचाएं और अल्लाह के नबी सास ने भी कहा दौद के काफ़ी फ़जाइल अल्लाह इबन रही ने चालीस से ज़्यादा जो है इसके फजीलतें उसका उसके फ़वाद जिक्र किए दुनियावी उबी एक फजीलत अल्लाह के नबी सासम ने फरमाया तिरमी की रिवायत है क़ियामत के दिन सबसे ज़्यादा खरीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दरूद पड़ने वाला जन्नत में अल्लाह के नबी की सहबत मिलेगी इसी तरह एक अहम तखादा या एक अहम फ़ायदा फ़ायदा जो दरूद के मैं बता रहा था बहुत सारे मुश्किल से नजात हैं परेशानियों से नजात हैं गुनाहों की बख्शिश अगर करवाना चाहें ओबे बिन काबरदी अल्लाह तुने दुआ के बारे में इशारा करूँगा तब तो लंबी हदीस हैं आखिर में अल्लाह के नबी साहब उन्होंने कहा आदि दुआ में दरूद पढ़ूँ एक सुलूस पढ़ूँ या एक तिहाई इस तरह उन्होंने सवाल किए आखिर में उन्होंने कहा अगर पूरी दुआ ही मैं अल्लाह की तारीफ़ के बाद सिर्फ दरूद ही पढ़ूँ क्या मिलेगा क्या सवाब अल्लाह अल्ला के नबी साहब ने कहा इदा तकफ़ी हम बुकफल का दम बुक कहाँ अगर तुम ऐसा करोगे अल्लाह की तारीफ़ के बाद सिर्फ दरूद ही पढ़ना शुरू करो आखिर में फिर अल्लाह की तारीफ़ के ज़रिए दुआ जिस दुआ का तरीक़ा है कहा अल्लाह ताला तुम्हारी हर गम फिक्र हर मुसीबत परेशानी से तुम्हें नजात देगा अल्लाह अकबर और कहा तुम्हारे तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ कर दे तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह अल्लाह माफ़ कर इससे बड़ा फ़ायदा क्या होगा इसी तरह बरकत होती है दुआ कबूल होती है इसकी बरकत से सलाम की बरकत से जो है दुआ कबूल होती है अब्दुल्ला बिन मसूद का वाकया वाक़ इशारा करके अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूँ तिरमिदी की रिवायत है अब्दुल्ला बिन मसूद ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अल्लाह की सना उन्होंने बयान की अल्लाह के नबी को दरुद भेजा उसके बाद दुआ की कहते हैं आप ने मेरा तर्ज अमल देख कर असल तो अदा सल तो अदा कहा इसी तरह मांगो तुम्हें अता किया जाए इसी तरह मांगो तुम्हें अता किया जाएगा अल्लाह अकबर तो महब्बत रसूल वसल्लम के जो है अमली तखादे थे अहम तखादे आखिर में अपनी बात को ख़त्म करते हैं मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि महज उसके तौफीक से ये प्रोग्राम चल रहे हैं अल्लाह इसको कबुल फ़रमाएँ ताला मरकज़ दारुल खैर और बंगलुर दुरूस के अहबाब की खिदमत को अल्लाबुल फरमाएँ मजीद अखलास से जो है काम करने की तोफ़ी फरमाएँ अल्लाह तमारे उम्र में इल्म में माल में हर चीज़ में अल्लाह बरकत फरमाएं जो भी बातें हमने सुनी हैं जो मोहम्मद रसूल के जो ईमानी अमली जो तकाज़ें उस पर अल्लाह तौर हमें खड़े उतरने की तोफ़ीदा फरमाएँ अल्लाह के नबी सा के नुसरत दीन की नुरत उसकी तायद के लिए हम वक्त तैयार रहने के अल्लाह तोफ़ी दें अमली इकदाम जो भी मुनासिब हैं हसब स्दात उनको करने की सादत नसी फ़रमाएँ इस सिलसिले में जो भी सुस्ती कोताही काली हो, हो रही अल्लाह तौर उससे हमारी हिफाजत फ़रमाएँ अल्ला जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे हालत ईमान पर ज़िंदा रखें ख़ातिमा हो तो ईमान की हालत में हो अखुल्खलवास्तवफिरल्हलीम वलिसमसिमिन अम्खुलज़मिन वस्तफरू उनफर अल्लमकुम वरम वबरकू